नमस्कार, स्वातिस किचन और क्राफ्ट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम नूडल्स, मैगी, पास्ता को भी भुला दे ऐसा स्वादिष्ट और पौष्टिक नाश्ता बनाने वाले हैं। आज हम सेवई का उपमा बनाने वाले हैं। चलो तो बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कप सेवई ली है। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और सेवई को स्लो फ्लेम पे सुनहरा होने तक भून लेंगे। सेवई बहुत पौष्टिक होती है। मैंने यह गेहूँ की सेवई ली है। ज़्यादा करके बच्चों को मैगी नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। हम सेवई का उपमा बनाकर बच्चों को खिलाएंगे तो ये नाश्ता बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहेगा और ये बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे एक बार ये नाश्ता खाएंगे तो बच्चे आपसे यह नाश्ता रोज बनवाएंगे। अब सेवई सुनहरी हो गई है, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, 1 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे। सरसों के दाने चटकने पर थोड़ी हींग डाल देंगे। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे और इसे थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने तक भुनेंगे। प्याज ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब इसमें 1 कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा मीठा लिमड़ा डालेंगे और सब अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ गाजर डालेंगे, 1 चॉप किया हुआ शिमला मिर्च डालेंगे और इसे भी थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें 1 चॉप किया हुआ टमाटर डालेंगे और इसे भी अच्छे से गल जाने तक भून लेंगे। अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। सब सब्जियां और मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें 3/4 कप जितना पानी डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। सब अच्छे से मिक्स करेंगे और इस पर ढक्कन रख के इसमें एक उबाल आने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है। अब इसमें सेवई डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक्कन रख के इसको लो फ्लेम पे 2 मिनट पकने देंगे। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे। अब तैयार है स्वादिष्ट और पौष्टिक सेवई उपमा। अब इसमें थोड़ा धनिया डालेंगे। ये उपमा बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और कैसा बना ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।